अल्लाह को सबसे ज्यादा किसकी जिंदगी पसंद है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अल्लाह ने नमूना बनाया, तो फिर हमारे आइडियल कौन होने चाहिए? कोई फिल्म स्टार, कोई क्रिकेट स्टार, कोई बिजनेस स्टार? ये सब बेनूर और बेचमक स्टार्स हैं, जिनमें कोई रोशनी नहीं है, कोई चमक नहीं है। हकीकी स्टार तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल ये है कि कोई हुजूर की तौहीन कर दे तो पूरा शहर जलाने को तैयार, अपनी जान देने को तैयार, और खुद हुजूर के तरीकों को इख्तियार करने को तैयार नहीं। इससे बड़ी बदनसीबी कोई नहीं हो सकती। ये जो शहर जलाने और पुलिस स्टेशन जलाने और हंगामा करने के लिए तैयार रहते हैं, ये अपने नफ्स का धोखा है। मेरे हुजूर को कहा, ये मैं का मसला है, मैं। वरना अगर वाकई हुजूर आइडियल हैं तो हमारी जिंदगी में हुजूर की सुन्नतें क्यों नहीं आती? और जिसको हुजूर का तरीका पसंद नहीं, जिसको अल्लाह के महबूब का तरीका पसंद नहीं, अल्लाह उसे कुछ देंगे? अगर रोज हज करने की इजाजत होती तो वो जिंदगी में हर दिन हज करे, जिंदगी में हर दिन उमरा करे, पूरी जिंदगी रोजा रखे, पूरी रात नमाज के लिए खड़ा रहे, हर अरबों खरबों रुपए गरीबों में लुटाता रहे। अगर उसे हुजूर के तरीके पसंद नहीं हैं, अल्लाह के महबूब के तरीके उसे पसंद नहीं हैं, अल्लाह के यहां उसके लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। अल्लाह करे हमारी आंखों पर जो धोखे की पट्टी बंधी हुई है वो उतर जाए,